अच्छे लोग रहते हैं वो भी दुखी रहते हैं। तो ये आसपास अच्छे लोग बुरे लोग होने से कारण नहीं बढ़ता इतना। तो इस आसपास बुरे लोग हैं ये दुख का कारण है। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है? समय। अगर बंदे का समय खराब चल रहा है ना तभी तो टेंशन है। समय खराब चल रहा है तुम्हारा। पर कितना अवतिक्रमण सोचा है ना ही नहीं यार। समय की वजह से या काल की वजह से दुख नहीं आ सकते क्योंकि काल तो भगवान की शक्ति है। भगवान कृष्ण की ना बोला कालो अस्मि मैं काल हूं। जब ये भगवान की शक्ति है तो भगवान की शक्ति अगर बैठी हो जाएगी ना तो सो समय खराब चल रहा है ना ही ये भी कारण नहीं है। फिर टेंशन का कारण क्या है? ये ना प्लैनेट्स होंगे ये शनि ये राहु कि तुम्हारी तो राहु की साढ़े साथी चल रही है। तुम्हारा शनि तो तुम्हारे बुद्धि में बैठ गया है। केतु है भैया तुम्हारा तो ऑपरेशन लिखे ना ऐसा। ये ना प्लैनेट्स की वजह से सुख दुख होते होंगे। पर देयर इज नहीं 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 इसकी ये प्लैनेट्स की वजह से भी होते हैं। प्लैनेट्स है क्या? हमारे कर्मों के फल है वही देर बस उनके हाथ में ना कुछ है। तो प्लैनेट्स की वजह से दुख है ना ये कारण नहीं है। फिर क्या कारण हो सकता है? देवी देवता दुख देते होंगे नाराज हो गए होंगे हमसे दुख दे रहे होंगे। नहीं देवी देवता को हमें तो बोले ना नहीं बिना दुख देते हो। फाइनली अवंति ब्राह्मण कंक्लूड्स दुख का कारण सिर्फ एक है और वो है हमारा मन। क्या है जी? मन। दुख का कारण सिर्फ मन है। जिसने मन को संभाल लिया उसकी टेंशन चली जाएगी। जो मन को नहीं संभाल पाया वो डूबेगा ही डूबेगा। यस बहुत शॉर्ट डूबेगा। मेरे पास एक माता जी को लिखा है बहू की उनकी लेके आया प्रभु जी को काउंसलिंग करिए दुखी रहती है हमारी बहू। ठीक है जी बात करते हैं। मैंने कहा माता जी आप टेंशन में रहते हो दुखी रहते हो? अरे हाँ मेरा मन ना क्या बताऊ। अरे क्यों आपका पति ठीक नहीं है क्या? अरे आजकल ये ना कलो कमाए आजकल क्या करें ऐसा बोलिए। मेरा पति तो देवता स्वरूप है बहुत अच्छे मेरे पास हस्बैंड है प्लीज ऐसा मत बोलिए आप। मैंने कहा फिर आप दुखी रहते हो अपने बच्चों की वजह से? मैंने कहा बच्चे भी देखो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े हैं तैना मानना नहीं बर्तन नहीं धोते नहीं कार्य रोज करते हैं तो इसलिए बच्चे। अरे ऐसा मत बोलिए आप मेरे बच्चे बहुत अच्छे कहना मानते हैं। अच्छा मैं तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस रहते होंगे। मैं कहा धन लक्ष्मी आनी जानी है आज है कल नहीं है क्या नहीं कर सकते। नहीं नहीं बहुत पैसा हमारे पास फार्म से हमारे गौशाला है हमारी फार्म से हमारी सब्जियां आती हैं गौशाला से दूध भी आता है करोड़ों होती है हम लोग। मैंने कहा अच्छा पैसा वैसा है बड़ा बहुत है। मैंने कहा फिर आपकी हेल्थ खराब रहती होगी। मैंने कहा शरीर तो देखिए आप ऐसे शरीर है कुछ ना कुछ तो ये लगा जाता शरीर के अंदर। कहता नहीं ऐसा नहीं है पूरी तबीयत हुआ है दवा तो जानते ना। तो माता जी फिर आपके जीवन दुख का कारण है। पति आपका अच्छा है सास ससुर आपके अच्छे हैं बच्चे आपके अच्छे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस आपका है नहीं तगड़ी आप बुरी बुरी हो डोले फिले बुरे बनाया आपने तो फिर दुख किस बात का है? प्रभु जी दुख का कोई इस बात का है हम अमेरिका चाहती हूँ अमेरिका में सभी बोलते हैं फिर हजर बोलते नहीं हम इंडिया में ही रहेंगे ये सोच सोच के दुखी रहती मन कोई ना कोई कारण ढूंढ लेता है दुखी रहे। आप दांत में कभी सौंफ फंसी है सौंफ फंसी है तो बार बार जीभ कहां जाती है जहां सौंफ फंसी है तो हम तो ऐसे सीधे निकले ना तो तेरे थोड़े दिन बाद बाबा जी कहां ना हो रही है वहां पर सौंफ फंसी हुई है उस तरह से मम्मी बार बार कहां जाता है जहां वो दिक्कत फंसी हुई है वो दिक्कत मन फंसा है। तो जिसने मन को संभाल लिया उसने सब संभाल लिया। ठीक है तो इस प्रकार से दिस इज द कॉज ऑफ टेंशन। पॉवर्टी और कंपेरिजन ए फॉर एसोसिएशन संगति खराब टेंशन आ जाएगी यू फॉर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल इसमें खाना सोना दोनों आते हैं एस फॉर स्पिरिचुअल वैक्यूम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते नहीं घर रस्ती में बिजी करते हैं बच्चों को पाल रहे चला बेलन की दुनिया बीत गई ऑफिस आ रहे हैं धंधा समाते हैं बस हो गया जी सर स्पिरिचुअलिटी टाइम नहीं है जी तो फिर भुगतो पे टेंशन नहीं की लाइफ के अंदर ई व्हाट एक्सपेक्टेशंस में अनरियलिस्टिक इसकी वजह से भी टेंशन होती है। सुस्ती के यूएसी पे काम करेंगे और अल्टीमेटली अपने मन पे काम करेंगे वी कैन बी टेंशन फ्री। किसी को सवाल है जी बताइए
Ay, puso 10. ¿Y el Michael? Welcome to Shillong, first of all, and for staying, you are my superstar. And sir, अभी मुझे पूछना ये था कि basically हम life में तीन कर्तव्य होते हैं हमारे, जैसे कि पहला माता पिता का, दूसरा हमारा spiritual कर्तव्य, लेकिन तीसरा कर्तव्य कैसे decide करें वो हमें जरूरत है. तो हमने तीन decide कैसे किए थे? क्या बात अच्छी हूँ, क्या बात दो हूँ, एक माता पिता ना, एक स्पिरिचुअलिटी होना. वैसे दो कर्तव्य होते हैं हमारे, एक शरीर के लेवल पे और एक आत्मा के लेवल पे. शरीर के लेवल पे वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पेरेंट्स, टुवर्ड्स वन स्मार्ट लाइफ पार्टनर, बच्चे, शरीर, बॉडी को फिट रखना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स बॉडी, यानी शरीर को लेकर के, शरीर के लेवल पे आपकी क्या ड्यूटीज हैं. दूसरे आपकी ड्यूटीज हैं आत्मा को लेकर के, दिस इज भक्ति, हैविंग रिलेशनशिप विद गॉड. तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सबको निभानी चाहिए. ठीक है, ओके. और कोई सवाल किसी का? यस हाँ जी, हरे कृष्णा बोले जी. प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जब हम जाप करते हैं मन भटकते रहता है, उसको शांत कैसे करें? कुछ नहीं, मन को बोलो बैठ जाओ. बहुत लड़ाई क्या प्रभु जी, होता नहीं ऐसे, होता नहीं है इतना आसानी से. मन प्रश्न आता है, मन बैठ जाओ, ऐसा होने वाला नहीं है मन के साथ. सो मन को वश में करना मुश्किल है, पर कैसे मन को हम कैसे काबू में करेंगे? ठीक है, मन को वश में करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, वो जो तरीका है वो है अच्छी संगति, गुड एसोसिएशन. ये साथ ही स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज से भी आप मन को वश में कर पाएंगे. एक्चुअली मन को वश में करेंगे बहुत सारे क्या है, हेल्दी सेल्फ टॉक, यानी मन के साथ बातें करना, कॉन्वर्सेशन करना. पर उसके लिए आपके खुद में नॉलेज होनी चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो हम मन को एजुकेट कर पाएंगे. तो मन को एजुकेट करेंगे, मन से एजुकेट होते रहेंगे हम लोग, पर मन को हमें एजुकेट करना है, उससे एजुकेट होना नहीं है. पर उसके बाद उसके लिए आपके पास खुद के पास नॉलेज होनी चाहिए. सो द स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं अगर आपके पास, तो भी आप मन को वश नहीं कर पाएंगे. बोल हम लोग नॉलेज देते हैं, पर कौन सी नॉलेज? पापी पेट के सवाल वाली नॉलेज. तो बोलती होती हमारे साहब, मैंने एमबीए किया इसलिए साहब, ज्ञान देव को एमबीए करता है, मुझे तो ज्ञान चाहिए था, फिलिप कॉटलर मार्केटिंग, इसलिए मैंने एमबीए में एडमिशन. वैसे करता है हमारे कॉलेज में, जो स्लोगन, समुद्र जितना सिलेबस है.